हेलो एवरीवन, में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं कैसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और क्लास 11th की केमिस्ट्री का यूनिट 6 का टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर। ये साइंस की एक ब्रांच है, फिर वो आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स की एक ब्रांच है, क्योंकि एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आपको मिलेगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हीट और टेम्परेचर और उनसे रिलेटेड और भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनोवेशन हैं, उनके बारे में। ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बातें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिस्टम, एक सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सिस्टम क्या है। द सिस्टम इज द बॉडी और ऑब्जेक्ट और मटेरियल और सब्सटेंस विच इज बींग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी एक चीज, कोई वस्तु, मटेरियल या कोई भी एक सब्सटेंस जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसे बोला जाता है सिस्टम। अब बात करते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग को हिंदी मीनिंग में आप समझो, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का वातावरण। तो सराउंडिंग का अगर केमिस्ट्री में देखते हैं तो क्या है, द प्लेस और द स्पेस विच इज अराउंड द सिस्टम। ये सराउंडिंग लिखा गया, ये सिस्टम आएगा, अराउंड द सिस्टम। सिस्टम के आसपास जो चीज होती है वो चीज है सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। द प्लेस और स्पेस विच इज अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि वो जगह है और वो स्पेस जो कि सिस्टम के आसपास है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। एक एग्जांपल, एक फिगर की मदद से हम समझते हैं। टिपिकल फिगर है, आप एनसीईआरटी में जो दे रखी है या फिर सीबीएसई ओरिएंटेड बुक्स में जो दे रखी है वो बना सकते हैं। साइंस में इसका कोई मार्क्स कटता नहीं है। तो देखिए, आप टिपिकल भी बनाते हैं। देखिए, एक जार है, इसके अंदर गिलास रोड है, ठीक है, वाटर है और इसके अंदर नमक डाल दिया, यानी कि NaCl + H2O का एक सोल्यूशन है। तो ये हम अब गिलास रोड से इसको मिक्स कर दिया मैंने, तो ये चीज क्या है, इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है एक सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिस जार के अंदर ये चीज डली हुई, एक सिस्टम है। अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जार जिसके अंदर पानी है और नमक है, ये हो गया हमारा सिस्टम। अब इसके आसपास की जो जगह है ये होगी आपकी सराउंडिंग, ये आसपास की जगह होगी सराउंडिंग। और सराउंडिंग के बाद जो चीज बची वो है यूनिवर्स, यानी कि दुनिया में जो भी चीज है वो एक यूनिवर्स है। हिंदी में यूनिवर्स का मीनिंग होता ब्रह्मांड, सब कुछ। तो यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग के अंदर सिस्टम होता है, आप ये सोच सकते हैं। टिपिकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। तो देखिए, सिस्टम वो चीज है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसके आसपास का एरिया जो है वो है सराउंडिंग, और बचा हुआ सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही सराउंडिंग और सिस्टम आता है, वो बच गया यूनिवर्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। तो सिस्टम होते हैं मेनली तीन तरीके के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि जो ओपन सिस्टम होता है, हिंदी में अगर बोले तो खुला सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मैटर की और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सराउंडिंग हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, इसके अंदर से एनर्जी, हीट दिखाया हुआ है, तो हीट भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है। एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल होता है। मैटर यहाँ से उठ जाएगा, ये मान लो गर्म पानी है तो भाप बन बन के मैटर भी जा रहा है, थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स जा रही है और हीट भी जा रही है, बाहर आप गिलास के हाथ लगाओ तो गर्म होता है। तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, हॉट वाटर इन ए जार, इन ए गिलास बोल सकते हैं। ये सराउंडिंग है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हॉट वाटर है और यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है दीवार से, और यहाँ से मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट ओकर बट एनर्जी एक्सचेंज ओकर। यानी कि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर से एनर्जी का एक्सचेंज तो हो जाता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो देखिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर मैं उस जार के ऊपर एक ढक्कन लगा देता हूँ, ठीक है, आइसोलेटेड ढक्कन लगा दिया जिसके अंदर से कुछ चीज निकल के ही ना जा सके, तो भाप बन बन के वो जो वेपर्स होंगे वो वापिस इसी के अंदर आके गिर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो ही रहा है दीवार के यहाँ से। ये एक एग्जांपल है, क्लोज्ड वेसल है जो कि जिसके अंदर हॉट वाटर है और क्लोज जार के अंदर। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल ही अलग सिस्टम जिसको आसपास से कोई मतलब ही नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर
ना तो एनर्जी का ना मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल है, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जो थर्मोसेल्स, जो थर्मस होता है जिसे हम नॉर्मली चाय के यूज, गर्म चाय रखने के लिए यूज करते हैं, वो एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, क्योंकि उसके अंदर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पा रहा है, वो उसके अंदर आइसोलेटेड वाल है, यहाँ बिल्कुल वैक्यूम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब हवा ही नहीं है तो आसपास एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ऊपर से भी वो सील पैक होता है, इसलिए मैटर का ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ये थे तीन तरीके के सिस्टम्स। तो बेसिक आइडिया था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। तो उम्मीद करना आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।